डांस की ABCD तो आपने सीख ली, लेकिन अब बारी है डांस से एक कदम आगे बढ़ने की। और इस एक कदम आगे बढ़ने में आप लोगों की मदद करेंगे मास्टर रेमो। रेमो सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डांस प्लस के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो डांस से एक कदम आगे बढ़ने की मैंने बात की अभी, डांस प्लस की, मैं इस बारे में जानना चाहूँगी डांस प्लस एग्जैक्टली क्या है। डांस प्लस एक नया शो है और एकदम ही अलग डिफरेंट फॉर्मेट है इसका। और इसमें हम ये देखेंगे कि डांस तो देखेंगे, लेकिन वो एक कदम आगे जो लेना चाहते हैं हम। जब भी कोई डांसर होता है, वो जो एक अलग क्रिएटिविटी या अलग सोचता है, उसकी तलाश है। तो वो जो अलग सोच और अलग कदम जो उठाने वाले हैं, उनकी तलाश है। तो ये डांस प्लस एग्जैक्टली इज़ अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ रियलिटी शो। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी नोन फेसेस नहीं होंगे, सारे के सारे सब न्यू फेस दिखाई देंगे। आम जनता से ही लोग आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद वो कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, ये मैं और जनता मिलकर डिसाइड करेंगे। रेमो सर, जैसा कि मैंने कहा कि ये शो आप लेकर आ रहे हैं, इस शो को आप जज भी कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ आप ही के सिखाए हुए जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेंटर्स की भूमिका निभा रहे हैं इसमें, वो धर्मेश हैं, शक्ति मोहन हैं और सुमित हैं। तो ये तीनों को मैं जानता हूँ, और एक तो मेरे साथ काफ़ी काम कर चुके हैं मेरे शागिर्द और मेरे बहुत ही करीब दोस्त धर्मेश, जो इस बार मेंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो इस दौर से गुजरे हैं, तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंटर कोई नहीं हो सकता। शक्ति भी इसी कैटेगरी में आती, क्योंकि वो भी इसी दौर से गुजरी हैं। सुमित जो हैं, वो एकदम नए हैं, पहली बार करेंगे और एकदम उनकी सोच अलग होगी। तो तीनों के तीनों बहुत ही कमाल है। सर, आपने लोगों को डांस की ABCD सिखाई, झलक के मंच पर आपने जज किया, कई रियलिटी शोज़ को आपने जज किया, तो इस शो के कहीं ना कहीं जो इस शो का लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो किसी तरह का प्रेशर है आपके ऊपर कि जजेस को इस बार, ऑडियंस को इस बार थोड़ा सा कुछ अलग प्रूव करना है, तो किस तरह से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली जो भी शो होता है वो हम बनाते हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि जनता जो है वो इसे पसंद करें। और जनता उसी चीज़ को पसंद करती है जहाँ पे आप कुछ नया दिखाते हैं। तो एक्चुअली शोज़ हम बनाते हैं, चलाते जनता है। तो ये शो भी हमने बनाया है, कुछ एकदम अलग बनाया है, लेकिन चलाने का जिम्मा जो है वो जनता पे है, तो वो डिसाइड करेगी कि ये शो चलेगा कि नहीं चलेगा। सर, जब डांस प्लस की बात हो रही है और मैं आपके साथ में खड़ी हूँ, तो मैं भले एक खड़े खड़े छोटा सा मूव ही सही, लेकिन एक मूव तो आपसे मैं सीखना ही चाहूँगी डांस का। रेमो सर, आप इस बार झलक को जज नहीं कर रहे हैं, डांस प्लस को जज कर रहे हैं, तो झलक को कितना मिस करेंगे इस बार? झलक को डेफिनेटली मिस करूंगा, क्योंकि मैं मिस करूंगा माधुरी जी को, करण जौहर को, क्योंकि बहुत ही 4 साल साथ में हमने शो किया और एक बॉन्डिंग सी बन गई थी। लेकिन माधुरी जी इस बार ब्रेक लेना चाहती हैं, करण जौहर जो हैं वो इस शो को कर रहे हैं, और उनकी भी फिल्म स्टार्ट हो रही है, तो मे भी शायद वो हाफ वे में चले जाएँ, तो कहीं ना कहीं वो मिस करूंगा मैं इन सबको। और क्योंकि 4 साल से एक शो किया है, उसके साथ जुड़ा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मिस करूंगा, लेकिन ये जो शो है वो भी कुछ नया है, तो डेफिनेटली। सर, बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, दोनों पर्दे पर आपका जो जादू है वो बहुत ज़ोरदार, लोगों पर उसका असर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये अभी न्यूज़ सुनी है कि अब आप डांस से हटकर थोड़े से रोमांटिक वे में आप मूवी बनाने वाले हैं, बड़े पर्दे की अगर हम बात करें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें थोड़ी सच्चाई है, थोड़ी नहीं है, क्योंकि रोमांटिक है उसमें, लेकिन मेजरली एक्शन मूवी है, और टाइगर श्रॉफ के साथ कर रहा हूँ मैं सुपर हीरो मूवी, तो इस मंथ के एंड से स्टार्ट हो जाएगी शूटिंग, तो जैसे जैसे शूटिंग होती रहेगी आप लोगों को पता चलता रहेगा क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, जाते जाते अपने टेली मसाला के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? टेली मसाला के दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप देखते रहिए टेली मसाला, क्योंकि बहुत ही मसालेदार खबरें मिलती हैं यहाँ पे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप डांसिंग।
वेल आप भी हो जाइए डांस प्लस के इस नए शो को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये शो बहुत ही धमाके तरीके से छोटे पर्दे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला।